हत्या के आरोपी को जिला न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। आरोपी को दोष मुक्त कर दिया गया है। पुलिस की कहानी के अनुसार समान थाना अंतर्गत आजादनगर मोहल्ले में रहने वाले विवेक सिंह के साथ वर्ष 2013 में नीलेश अग्निहोत्री ने रॉड से मारकर हत्या कर दी, जिस पर धारा 302 IPC के अंतर्गत आरोपी नीलेश के विरुद्ध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया और आरोपी को विचारण पंचम अपर सत्र न्यायाधीश विवेकानंद द्विवेदी के न्यायालय द्वारा विचारण किया गया। विचारण उपरांत आरोपी नीलेश अग्निहोत्री को न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया। आरोपी की ओर से पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने की है। हत्या के मामले में एक आरोपी बरी हुआ है, क्या आपको थोड़ा पता? बस 2013 में आवेदन की कहानी है। बस 2013 में आजाद नगर मोहल्ला बनता है, कहाँ सामान चलता है, वहाँ पर विदेश सिंह नाम का चलता रहता था आजाद नगर में। वह बाजार करके पैदल अपने घर से जा रहा था। BBS स्कूल के पास आजाद नगर में कुछ लड़के आए और उन लड़कों ने डांटे अंडा और आग से उसके साथ मारपीट की। मारपीट कम गंभीर थी, उसके बाद में लड़के इस पर 3 जगहों का मुकदमा दर्ज हुआ। उस मुकदमे ने नीलेश अग्निहोत्री करके आरोपी बनाया गया और उसका प्रकरण मानी पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने मुझे दूंगा सर विवेकानंद द्विवेदी के किनारे में चला और लंबी विचारण अवधि के पश्चात ये मामला जो है दोष मुक्त। FIR में कितने लोग आरोपी बने थे? मार्केट पहले अंकित सिंह करके करा था, अखिल सिंह करके आरोपी करा था और एक अखिलेश सिंह करके आरोपी करा था। अखिलेश सिंह की पैर के दौरान जो है वो बाइक कर लिया था, मृत्यु हो गई थी। अतुल सिंह और अंकित सिंह पहले तो उसमें कितने लोग इसमें जेल गए? जेल सभी गए थे, जेल नहीं गए। उसके बाद जमात हुआ था, जमात के छूटे थे। अतुल सिंह भी जमात के छूटा था, अंकित सिंह भी जमात छूटा था। दोनों का पत्थर भी बैठने वाला था, सब दोनों पहले उसमें पहुँच चुके थे। ये मिली सब नौकरी करते समय बाद